फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम ट्वेल्थ क्लास के विस्तार के थर्ड चैप्टर जर्नी टू तो द एंड ऑफ द अर्थ के शोर आंसर टाइप क्वेश्चन की स्टडी करेंगे फ्रेंड्स अदर वीडियोज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल के प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ऑथर रीच एंटार्टिका ऑथर एंटार्क्टिका कैसे पहुंचा? या हाउ डिड द ऑथर ट्रेवल टू एंटार्क्टिका ऑथर ने एंटार्टिका का सफ़र कैसे किया इसका आंसर है द ऑथर ट्रेवल्ड ओवर हंड्रेड आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार एन एरोप्लेन एंड अ शिप लेखक ने एक कार एक हवाई जहाज़ और एक जहाज को शामिल करके सौ घंटे से ज़्यादा का सफ़र किया एंड इन दिस वे ही रीच्ड एंटार्टिका और इस तरह से वे एंटार्टिका पहुँचा वर्ल्ड वॉज वंडर ऑथर रिलइड रीचिंग एंटार्टिका इंटार्टिका पहुंचने पर लेखक को क्या हैरत हुई या व्हाट सरप्राइज द ऑथर मोस्ट अबाउट एंटार्टिका एंटार्टिका के बारे में लेखक को सबसे ज़्यादा किस बात से हैरत हुई इसका आंसर है द ऑथर गॉड्स नॉलेज डेट इंडिया एंड एंटार्टिका वर वंस पार्ट ऑफ द सेम लैंड मैच ऑथर को ये ज्ञान हुआ कि भारत और अंटार्कटिका कभी एक ही भूभाग का हिस्सा थे एंड अपार्ट फ्रॉम इट और इसके अलावा हिसा इट्स लार्ज वाइट लैंडस्केप विच वॉस वन अबाउट अंटार्टिका उन्होंने इसका बड़ा सफ़ेद नजारा देखा जो अंटार्क्टिका के बारे में चमत्कारिक था सो दिस फैक्ट सरप्राइज हिम मोस्ट अबाउट अंटार्टिका तो इस फैक्ट ने उन्हें एंटार्टिका के बारे में सबसे ज़्यादा हैरान किया नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट वॉज द पर्पज़ ऑफ द विजिट टू एंटार्टिका एंटार्टिका जाने का मकसद क्या था या वाट वॉज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या था इसका आंसर है द प्रोग्राम वॉज स्टूडेंट्स ऑन आइस विद द पर्पज़ टू गिव हाई स्कूल स्टूडेंट्स द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू डू द स्टडी ऑफ एंटार्टिका प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को एंटार्टिका की स्टडी करने का एजुकेशनल मौका देने के मकसद से था बिकॉज इट इज़ द कोल्डेस्ट ड्राइस्ट एंड विंडियस्ट कंटीनेंट इन द वर्ल्ड क्योंकि ये दुनिया का सबसे ठंडा सबसे खुश्क और हवा वाला महाद्वीप है हाउ इज़ द प्रेजेंट ग्लोब वी नो टूडे प्रेजेंट प्रेजेंट में पृथ्वी ने कैसा आकार लिया जिसे आज हम जानते हैं इसका आंसर है गोंडवाना वॉज फोर्स टू सेपरेट इन टू कंट्रीज गोंडवाना को देशों में अलग अलग होने के लिए मजबूर किया गया था द ग्लोब वॉज शेप्ट मच एज नो इट टूडे ग्लोब को उतना ही आकार दिया गया था जितना आज हम इसे जानते हैं ए कोल्ड सर्कम्पोलर करंट वॉज क्रिएटेड एक ठंडा सर्कम्पोलर करंट बनाया गया था नेक्स्ट वन है वट डज वन फील इन एंटार्टिका एंटार्टिका में कोई क्या महसूस करता है हाउ इज इट कैप्चर्ड विजुअली इसे नजरों से कैसे पकड़ा जाता है इसका आंसर है बाई विजिटिंग द एंटार्टिका वी कैन अंडरस्टैंड द अर्थ पास्ट प्रजेंट एंड फ्यूचर अंटार्टिका में जाकर हम पृथ्वी के पास प्रजेंट और फ्यूचर को समझ सकते हैं अ विजिट देर कैन टीच द नेक्स्ट जनरेशन टू अंडरस्टैंड एंड वैल्यू आवर प्लानेट वहाँ का सफ़र अगली जनरेशन को हमारे प्लेट को समझना और इम्पोर्टेंस देना सिखा सकती है अंटार्टिका आल्सो होल्ड्स विद इन इट्स आइस कोर्स हाफ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स विच हेल्प्स अस टू स्टडी क्लाइमेटिक चेंज बाय ग्लोबल वार्मिंग अंटार्कटिका के पास अपने आधे मिलियन वर्ष पुराने कार्बन रिकॉर्ड भी मौजूद हैं जो हमें ग्लोबल वार्मिंग द्वारा जलवायु चेंज करने की स्टडी करने में मदद करते हैं नेक्स्ट बने इज़ द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर की एवरेज क्यों बढ़ रही है इसका आंसर है द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डिप्लेशन इन द ओज़ोन लेयर ओजोन परत में कमी की वजह से दुनिया भर का औसत तापमान बढ़ रहा है विच इफेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ फाइट ऑप लॉन्गटन विच इन टर्न इफेक्ट्स अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन जो fight, जो फाइट साइकिलन की गतिविधियों को प्रभावित करता है जो बदले में दुनिया भर के कार्बन साइकिल को प्रभावित करता है नेक्स्ट वन है द ह्यूमन्स हैव इस्टेब्लिश डोमिनेंस ओवर नेचर हाउ इंसानों ने प्रकृति पर ताकत कैसे हासिल की या वाट इज द अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व थाउजेंड ईयर्स वर्षों के समय में इंसानों की क्या उपलब्धियाँ हैं इसका आंसर है ह्यूमस हैव इन्हेबिटेड विलेज टाउन सिटीज एंड मेगा सिटीज़ इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो दे हैव डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट माउंटेंस एंड अनदर नेचुरल प्लेसेस इंसान गांव, कस्बे शहर और बड़े शहर बसाए हुए हैं ऐसा करने की प्रक्रिया में उन्होंने जंगलों पहाड़ों और दूसरे कुदरती जगहों को बर्बाद कर दिया है दे आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्स एट ऑल दियर विल वे अपनी मर्जी से कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैंव एस्टेब्लिश डोमिनस ओवर नेचर इस तरह से उन्होंने प्रकृति पर ताकत स्थापित कर ली है नेक्स्ट वन है वॉट आर द इंडिकेशंस फॉर द नेचर ऑफ ह्यूमन काइंड इंसानी जाति का नेचर के लिए क्या इशारा है इसका आंसर है ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड आइस कैप्स फॉलिंग ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बर्फ की टोपियाँ गिर रही हैं देर इज आ डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा है इफ़ that happens, अगर ऐसा होता है मैन काइंड विल बी वाइप्ड आउट फ्राम द ग्लोबल सीनेरियो तो मानव जाति का ग्लोबल सीनेरियो से सफाया हो जाएगा नेक्स्ट वन है हु आज जी ऑफ ग्रीन जी ऑफ ग्रीन कौन थे वाट डिड ही ऑफर टू स्टूडेंट्स उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए क्या पेशकश की जियोफ ग्रीन वॉज अ कनेडियन एक्सप्लोर एंड एजुकेटर एंड द फाउंडर ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस जियोफ्रीन एक कनेडियन खोजकर्ता और शिक्षक थे और प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस के संस्थापक थे ही स्टार्टेड टू इंक्लूड द लर्नर्स विलिंग पर्सन एंड स्कूल स्टूडेंट्स फॉर द मिशन सो दैट द स्टूडेंट्स लर्न समथिंग फॉर फ्यूचर उन्होंने मिशन के लिए सीखने वाले इच्छुक पीपल और स्कूली स्टूडेंट्स को शामिल करना शुरू कर दिया ताकि स्टूडेंट्स फ्यूचर के लिए कुछ सीख सकें नेक्स्ट वन और लास्ट वन है हाउ मेनी मेम्बर्स रीच एट अंटार्टिका एंड वाट दे फाइंड देयर कितने लोग एंटार्टिका पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ क्या पाया इसका आंसर है देयर वर ऑल फिफ्टी टू ऑफ अस किटेड आउट इन गोल टीरी एंड ग्लैट्स वॉकिंग ऑन अ स्टार वाइटनेस डेट सीम टू स्पीड आउट फॉर एवर हम सभी बामन थे जो गोर पेड़ और चकाजोन से बाहर निकले हुए थे एक ऐसी सफ़ेदी पर चल रहे थे जो हमेशा के लिए फैली हुई थी अंडरनीथ आवर फीट वॉस अ मीटर थिक आइस पैक एंड अंडर नीथ डेट वन एंड एटी मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर हमारे पैरों के नीचे एक मीटर मोटा आइस पैक था और उसके नीचे 180 मीटर जीवित सांस लेने वाले और खारा पानी था इन द पेरीफेरिक रे बीटर सील्स वर्ट्रेचिंग एंड सनिंग दैम सेल्फ ऑन आइस फ्लोस मच लाइक इस डोग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बनान ट्री सीमा में केकड़े की मुरें खींच रही थी और बफ के बहाव पर खुद को डुबा रहे थे जैसे अवारा कुत्ते बरगद के पेड़ की छाया में करते हैं दोस्तों अगर आपको आपकी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ट सर को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो